अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव भेजा है जिसमें पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद को प्रतिबंधित करने की बात की गई है। इस कदम के बाद अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में चीन के साथ टकराव की स्थिति बन गई है। चीन ने अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल करने के प्रयास में इस महीने की शुरुआत में अड़ंगा डाल दिया था। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में ये प्रयास अटक जाने के बाद अमेरिका अजहर को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को लेकर सीधे सुरक्षा परिषद पहुंच गया। मसौदा प्रस्ताव में पुलवामा हमले की निंदा की गई है और निर्णय किया गया है कि अजहर को संयुक्त राष्ट्र के अलकायदा और इस्लामिक स्टेट प्रतिबंधों की काली सूची में रखा जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि मसौदा प्रस्ताव पर मतदान कब होगा, इस पर चीन वीटो कर सकता है। परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के साथ चीन शामिल है। अभी तक अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए 4 बार प्रयास किया जा चुका है। चीन ने पहले 3 प्रस्तावों पर रोक लगा दी थी और 4थे प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगा दी है जो करीब 9 महीने तक रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में जैश ए मोहम्मद को पहले ही 2001 में शामिल किया जा चुका है।